श्रीमन्नारायण दोस्तों, मैं मंजू सती अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आप लोग कैसे, आशा करती हूँ सब कुछ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। अब ब्लॉग की शुरुआत बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग हो रही है दिल्ली से, अपने घर से, और सुबह के 4:30 बजे मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और रेडी दोस्तों मैं जा रही हूँ उत्तराखंड जिम कॉर्बेट रामनगर। क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, आपके साथ पूरा शेयर किया जाएगा। फिलहाल मैं बिल्कुल रेडी हूँ और वो दिन आ गया जिसका हमें भी इंतजार था और आपको भी मैंने काफ़ी इंतजार कराया। तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ और चलते हैं गाड़ी में, और आगे का सारा कुछ आपके साथ शेयर होता है। बने रहिए आप लोग मेरे साथ। दोस्तों मुरादाबाद पहुँच गए हैं और आप, मैं दिखाती हूँ आपको फॉग के साथ सूर्य देवता के दर्शन। हल्का हल्का अभी ज़्यादा नहीं है, रुको रुको अभी सूर्य देवता। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं जिम कॉर्बेट कान्या के, अपनी मम्मी के घर। और वो दिन आ गया जिसका मुझे इंतजार था। मैंने आपको कई बार बताया शुभ कार्य होने वाला है, यानी कि मेरे भाई की शादी है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहुंच गए हैं, पहले हम ही हैं और काम धंधा ही करते हैं, निपटाते हैं घर के काम वाम फटाफट, और सारा कुछ एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी दोस्तों। जो भी होगा यहाँ पर, जैसा भी होगा, अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाऊंगी अपनी परंपराएं, अपने रिवाज। मैं पहुँच गई मम्मी के यहाँ, पहले मैं ही पहुँची, मैं और दूल्हे राजा यानी कि मेरा भाई और मम्मी पापा हैं, और एक हमारी अम्मा आई है मेरे पापा की बुआ। तो हम दो तीन मेहमान आ गए हैं और करते हैं अब शुरुआत काम वाम की घर में। आते ही बस मम्मी, नानी मुझे भूख लग गई, और नानी का तो इसका ऐसी है, नानी ने कहा बना मैगी, तो देखो साफ कर दी। जय श्रीमन्नारायण बोलो। जय श्रीमन्नारायण दोस्तों। ये देखो, और मैगी वैगी खा के बिल्कुल अपना, ये देखो इससे बात करें, मैगी खा ली। आते इसको नानी के घर आते इसको भूख लग जाती है सीधे। तो थोड़ा खाने पीने की शुरुआत करते हैं, खाना वाना बनाते हैं, काम धंधे निपटाते हैं फटाफट। मेहमान आने शुरू हो गए हैं, दो दिन बचे हैं, तो दो दिन में सारे मेहमान लगभग आ ही जाएंगे। मिलती हूँ आपसे, थोड़ा थोड़ा आपको दिखाते रहते जो भी करते हैं। तो फाइनली हमारी मेहमानों की शुरुआत हो चुकी है, और सबसे पहले हमारी अम्मा आई थी, वो मैंने आपको दिखाई नहीं, अभी मिली नहीं है, और हम तो मिल गए लेकिन आपसे नहीं मिला पाई। उसके बाद मैं आई, उसके बाद मेरे बाद मेरी बहन आ गई। देखो Hello. हम दोनों आगे, दोनों बड़े बड़े हैं ना, तो हम दोनों बहन आ गए हैं, दीपा और मंजू, मंजू दीपा, हम दोनों आ गए, और हम इस घर के बड़ी बहनें हैं दोनों ही। तो हम लोग पहुँच गए, बड़े पहुँच गए तो छोटे जब मर्जी आए कोई दिक्कत ना, हम भैया आए और हम लोग आ गए हैं, और आप थोड़ा इंजॉय मस्ती करेंगे, बच्चों को बुलाएंगे, अभी थोड़ा हल्ला गुल्ला करेंगे, गाने बजाने गाएंगे अभी कमरे के अंदर, क्योंकि सुबह मुहूर्त की शुरुआत हो चुकी है, शुभ दिन आ गया है। तो अभी ये तो अभी आई है, बहुत दूर से आई है, अभी पहुँची है, थोड़ा थकान दूर करेगी, मैं तो सुबह ही आ गई थी। देख लो सब लोग, सबको हो रही होगी हम कब आएंगे। तो दोस्तों हमारे घर में मेहमानों की शुरुआत हो चुकी है, और खूब मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं, और ये हमारा खाना देख ले, खाना खाना लवी देख ले, आ गया पहला हमारा भांजा आ चुका है, पंडित और खुश है, आज खुश है कि मैं बहुत ठंड की जैसे। हाँ तो ठीक है दोस्तों, आगे आगे की शुरुआत करते हैं, मिलते हैं आपको, दिखाते हैं और कुछ आगे थोड़े थोड़े नया नया कुछ। तो दोस्तों फाइनली बच्चे लोग आ गए हैं, मेरे भाई बहन सारे आ गए हैं यहाँ पर, और थोड़ा मौज मस्ती दिखाती मैं इनकी, और ये इतने खुश हैं अपने दद्दा की शादी में, इनके दद्दा की शादी है, और बिल्कुल खुश हो रखे हैं और आ गए हैं, करे थोड़ा मौज मस्ती करेंगे, वह लेके करके मिलाती मैं सबको हैं। हेलो बोले वानी, एक बहन ये है कानू दद्दा की, ये देखो छुटकी सबसे छोटी, और कह रही हूँ बारात में नहीं आऊंगी, बल बारात में तो ये तो मना कर, ये देखो ये भाई है छोटा से छोटा, ये जय जय बप्पा की, जय बप्पा के बप्पा वाले हैं। लड़की तू तू ये तू क्या कह रहा, तानी से बारात में नहीं आएगी? नहीं गई। क्यों? उल्टी कर दी वो, हमें ताऊ के साथ बैठेगी, उन्हें ताऊ ने कह रखा दोनों को साथ, और ये टिम्मू लगी अपने कारोबार, ये तो मैंने मिला दिया, लवी मिला दिया, और सब लोग मौज मस्ती करने थोड़ा ये बताएंगे। बताओ भाई क्या क्या तैयारी करी तुम लोगों ने? कमरे बनाए। और तानी कि कब से स्कूल नहीं जाएगी? 23 तारीख से। अच्छा 24 से स्कूल नहीं जाएंगी, 23 को भी तो चावल चिटाइए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखो अब ये कह रहे हम मस्ती करेंगे, खूब इंजॉय करेंगे, डांस करेंगे, तो शुरुआत क्या होगी गाने की? हिमानी जल्दी बता कौन से गाएगी? हल्दी लगाओ रे। ये देखो दोस्तों मस्ती रे, ये देखो कितनी मजा आ रहे हैं इनको, लेकिन आज कर लगे, ये देखो ये देखो ये कितनी मस्त सूझ है इनके। ये गा रहे अपने मामा के लिए गाना, अपने दद्दा के लिए गाना,
ये सबसे छोटी बहन है, देखो हमारी सबसे छोटी बहन। तो कैसे मस्ती कर रहे हैं, इनके दिखा दो। हिमानी तू भी कर। ये देखो ओ खींचा खींचा इनको, भाग रहे हैं। ये देखो ये लक्की को, ये भाई सर छोटे। चल 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 तुम गाओ। ये देखो क्या मस्ती छा रही लेकिन आज कल भाई है तू। ये देखो दोस्तों क्या, एक तरफ पूजा हो रही, मेरे पिताजी पूजा कर रहे हैं, दूसरा ये मौज मस्ती कर रहे हैं। ये देखो थोड़ा बहुत मौज मस्ती आपको दिखाई और इतनी खुश हैं, बस ये सोच रहे कब वो दिन आया जल्दी से। कल से हमारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे, थोड़ा बहुत कल हम मार्केट जाएंगे, शॉपिंग करेंगे थोड़ा सा और तैयारी करते हैं, अभी सारा सामान वामान रखते हैं। और परसों होगी हमारी एक नई चीज, वो अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाऊंगी क्या होगी, जो भी होगी सरप्राइज है ना, जो भी होगा हम ब्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे ना तानी। और तानी ने बिल्कुल अपनी कर दी तैयारी फुल स्पीड में, डांस वांस के गाने भी तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों ये गाना बता नहीं रहे ना, तुम दोनों ने साथ डांस करना है क्या? सब दोनों साथ डांस कर रहे हैं, तुम दोनों साथ, गुनू टीमू साथ, वो साथ, हम साथ साथ हैं, है ना। लोहे की कढ़ाई, यहाँ भी लोहे की कढ़ाई में आलू की सब्जी बन रही है, टेस्टी टेस्टी मैं ही बना रही हूँ क्योंकि लोहे की कढ़ाई में मुझे सब्जी बहुत पसंद आई है। तो एक तरह मैंने आपको दिखाया बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं और मैं थोड़ा उनके सामने मिल के आ रही हूँ, उनकी मस्ती भी आपको दिखा रही हूँ। दूसरी तरफ किचन में समेट रहे हैं, मैं मम्मी किचन में है और मैं सब्जी बना रही हूँ और फर्स्ट क्लास आलू गोभी की आज। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं रामनगर सुबह से, मैं आपको यही बता रही हूँ। और उसके बाद थोड़ा बहुत काम निपटाए और मेहमान लोग भी थोड़ा बहुत मैंने आपको दिखाई दिए हैं, खाना पिया खाया, तो शुरुआत हो चुकी है शुभ दिनों की, शुभ कार्य की। आगे आगे क्या क्या होता है वो भी आपको दिखाया जाएगा। फिलहाल सोने की तैयारी करते हैं और ब्लॉग को यहीं पे रखती हूँ, कल मैं आपको मिलती हूँ नई उमंग नई तरंग और नई ताजगी के साथ। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करें। ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। जय श्रीमन्नारायण।